हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो पढ़ने वाले क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश, क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। इसके जो राइटर हैं स्टेफन स्पेंडर हैं, जो पोइट हैं, तो देखिए कौन कौन ये रहा इसमें इसका सेंट्रल आइडिया, और इस सेंट्रल आइडिया की ये रही इसकी हिंदी, और इस सेंट्रल आइडिया के ये करेक्टर हैं। कौन है करेक्टर हैं, अब देखिए समझिए इनको कौन कौन है इस चैप्टर के अंदर, और इसका हम पढ़ने वाले हैं एक सेंट्रल आइडिया। ओके फ्रेंड्स, देखिए समझिए ये क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया है। बोला गया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव, लिखिए या केंद्रीय विचार कीजिए। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, आंसर समझे इसका, इन दिस पोयम इस पोयम है, इन दिस पोयम इस पोयम है। तो देखिए आप इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इंग्लिश टू हिंदी में, वो समझे आप। इन दिस पोयम इस पोयम में द पोइट, जो कवि है, जो पोइट है कवि है, स्टेफन स्पेंडर, स्टेफन स्पेंडर जो ये कवि हैं, एक्सप्रेसिस, एक्सप्रेसिस का मतलब होता है व्यक्त करना, प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, एक्सप्रेसिस करते हैं, व्यक्त करते हैं। द पिटिएबल कंडीशन, पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय, बहुत बुरी हालत, दयनीय कंडीशन को, बहुत बुरी हालत को क्या करते हैं, एक्सप्रेसिस करते हैं, व्यक्त करते हैं जो कवि हैं, जिनका नाम है स्टेफन स्पेंडर। अगर समझे, ऑफ द पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की, जो गरीब बच्चों के हालात होते हैं, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, सब ये व्यक्त करते हैं अपनी पोयम में। ऑफ स्लम एरियाज, जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, स्लम एरियाज का मतलब जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं वो होते हैं स्लम एरियाज। दे आर पुअर, वे गरीब होते हैं, वे गरीब हैं। एंड इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है अनपढ़ होना, बिल क्या होते हैं, अनपढ़ होते हैं। सो इसलिए देयर कंडीशन की जो कंडीशन है इज वेरी माइजरेबल, बहुत ज्यादा दयनीय है, मतलब बहुत ज्यादा इन पर तरस आता है, दयनीय है। द पोइट, जो कवि हैं, इज वेरी सैड, बहुत ज्यादा दुखी हैं, जो कवि हैं वो दुखी हो गए हैं इस बात से, तुसी इन्हें देखकर, देयर पिटेबल कंडीशन, इनकी बुरी हालत को देखकर, इनकी दयनीय स्थिति को देखकर। एंड वांट्स, और वो चाहते हैं, डेट इट शुड बी चेंज, वो चाहते हैं कि इसको बदलना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, जो इनकी कंडीशन है वो चाहते हैं कि इससे इसको छुटकारा मिलना चाहिए, सारे के सारे बच्चों को। दे आर फिजिकली वेरी वीक, वे बहुत ज्यादा फिजिकली, ये सारे रूप से वेरी वीक, बहुत ज्यादा क्या है, कमजोर है, वे शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अब इतनी बुरी हालत में तो शरीर तो बेकार होगा ना। द पोइट, जो कवि हैं, हैज कॉन्सेंट्रेटेड, वो कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं या अपना ध्यान डालते हैं ऑन थीम्स, इस थीम पर, और सोशल इनजस्टिस, समाज में होने वाले अन्याय पर। तो वो चाहते हैं क्या करते हैं, वो एक कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं, मतलब ध्यान केंद्रित करते हैं, बताते हैं सब लोगों को जो समाज में अन्याय हो रहा है, सोशल इनजस्टिस हो रहा है, गरीबों पर कैसे अत्याचार हो रहा है, वो सब इसमें समझाते हैं। एंड क्लास इनक्वालिटीज, इन क्वालिटीज, देखिए यहाँ पर बोला गया इक्वालिटीज, इन इक्वालिटीज का मतलब होता है असमानताएं। देखिए इक्वालिटीज एक होती है इक्वालिटी, बराबरी होती है ना, तो इसका ये अपोजिट है, इन इक्वालिटीज इसका मतलब हो गया असमानताएं। तो वो वर्णन करते हैं, बताते हैं अन्याय के बारे में और असमानताओं के बारे में, इन पे असमानताएं इन पे दिखाई जाती हैं जो गरीब लोग हैं। इन दिस पोयम, इस पोयम में वो ऐसा बताते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं, समझाते हैं लोग। ट्रूली स्लम चिल्ड्रन, जो ट्रूली मतलब सच में, असलियत में, जो स्लम चिल्ड्रन है, जो स्लम या झोपड़पट्टी में रहने वाली जो बच्चे हैं ना, मस्ट बी ट्रीटेड, उनसे व्यवहार किया जाना चाहिए एज ह्यूमन, इंसानों की तरह। अब जो उनको गरीब मानकर उनसे जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं, उनसे ये बात बताई जा रही है कि इन लोगों से जो ज्यादा गरीब हैं, जो स्लम चिल्ड्रन हैं, बच्चे जो हैं, इनसे इंसानों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, इनको बराबरी देनी चाहिए। तो इसी वजह से बताते हैं इन इक्वालिटीज के बारे में। विंग, अगर वो लगाए स्पीकिंग स्लम आर देमसेल्व हेल्प, स्पीकिंग कहा जाता है, स्पीकिंग बोला जाता है, कहा जाता है स्लम्स झोपड़पट्टियों को, क्या कहा जाता है, आर देमसेल्व हेल्प, वो खुद को ही अपनी एक नर्क बताते हैं कि एक तरीके से नर्क ये हमारे लिए, मतलब बहुत बुरी कंडीशन होती है गरीबी की ऐसी कंडीशन में। तो आप इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और इसके मीनिंग भी याद कर सकते हैं, और मीनिंग आप देख लें। एक्सप्रेसिस का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेसिस का मतलब होता है व्यक्त करना, पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय या फिर बुरी हालत होता है, कंडीशन हालत होती है। और पुअर चिल्ड्रन आप जानते हैं गरीब बच्चे हो गए, स्लम एरिया झोपड़पट्टी हो गई हैं, और इलिटरेट अच्छा बढ़ाया इसका मतलब होता है अनपढ़ होना, क्या होता है ये, अनपढ़ होना होता है। और माइजरेबल का मतलब होता है दुखदाई, दयनीय, दुख से भरी। और पिटिएबल द्वारा सा चुका है, वांट्स चाहना होता है, सूडो मतलब चाहिए, और फिजिकली होता है शारीरिक रूप से, वीक होता है कमजोर,
कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, सोशल इनजस्टिस का मतलब होता है समाज में होने वाले अन्याय, और क्लास इनका देखिए हम बोला गया कि क्लास इन इक्वालिटीज वर्ग असमानताएं, इसका पूरा मतलब निकलेगा। ट्रूली सच में स्लम चिल्ड्रन झोपड़पट्टी के बच्चे हैं। मस्ट बी ट्रेटेड, ट्रेटेड का मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब होता है व्यवहार करना, क्या होता है व्यवहार करना, ह्यूमन होता है इंसान, और इस तरीके से आप ये देखिए हेल एक अच्छा बढ़ाया, इसका मतलब होता है नर्क। तो ये सारे के सारे आपको ये मीनिंग याद होने चाहिए, आप इसमें से देख के नोट करके याद कर सकते हैं। ओके तो देखिए इनकी कंडीशन एक बार वो देख लें, ये सारे के सारे इसकी क्या हिंदी है, इसका भी तो मैं कभी स्टेफन स्पेंडर झुग्गी झोपड़ी में मतलब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के गरीब बच्चों की दयनीय स्थिति को बताता है, आप पढ़ लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना इसको ध्यान से। ओके चलिए आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ये सारे के सारे क्या हैं, ये गरीब लोग हैं, ये सब गरीब लोग हैं, इनकी ये झोपड़पट्टी है, ये देखिए झुग्गिया सी जो बना हुई है, इनकी झोपड़पट्टी है सारे के सारे, देखिए ये सब गरीब हैं। अब ऐसी कंडीशन में जो जीवन जीना होता है बहुत ही दुखदायी होता है, इसके बारे में और जो स्टेफन स्पेंडर हैं वो व्यक्त करते हैं, बताते हैं सबको, बताते हैं कि इनकी कंडीशन क्या है। तो आप इस तरीके से इस सेंट्रल आइडिया को समझ सकते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।